आंखें खोलो बापू, मेरी ओर देखो बापू, बापू। राजन बेटा, तू आ गया। हाँ बापू, पैची के यहां से तो तुम्हारे लिए दवा लेकर आया जी। वो थे नहीं इसीलिए देर हो गई। वो भले मानस कहते थे बिल्कुल चिंता ना करो, तुम्हारे पिता ये दवा पीते ही छुटकियों में अच्छे हो जाएंगे। दवा? मेरी दवा तो अब सिर्फ मौत है बेटा। ऐसा ना कहो बापू, कैंसर का कोई इलाज नहीं है बेटा। मुझे मरने का गम नहीं है, गम है तो इस बात का कि मैं तेरे लिए कुछ न कर सका। जो प्यार तुमने दिया है वो क्या कुछ कम है जी? माँ बाप के प्यार से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं होती। तुम अच्छे हो जाओगे ना तो समझो तुम्हारे बेटे को। बापू, बापू, राजन। क्या हुआ बापू? चक्कर आ गया था बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो बापू। बेटा, इस दुनिया में मेरा एक ही दोस्त है, बहुत बड़ा आदमी है। मेरी खुददारी ने मुझे उससे कभी कोई मदद नहीं मांगने दी। मैंने उसे कोई खत भी नहीं लिखा, मगर उसका पता मेरी डायरी में है। मैं ना रहूं तो तुम जाना, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। आदा करो बेटा, तुम चाहोगे ना? मैं जरूर जाऊंगा बापू। तो जाओ, जाओ। संदूक में मेरी डायरी रखी है जिसमें मोहन का पता है, जल्दी जाओ ले आओ बेटा। अच्छा बापू। मैं मोहन जी राय बहादुर जी का पता अंग्रेजी में लिखा है, जरा पढ़कर बता दीजिए। वो जो सामने वाला बंगला है ना, हाँ? वो उन्हीं का है।
रुको ठहरो, किधर मुंह उठा के जाते? अंदर जाते हैं जी। लाला ये तो धर्मशाला नहीं, चिराय साहब की कुटी है। खा साहब जी, हमें राय साहब जी से ही मिलना है। साहब से तुम एकदम नहीं मिल सकते हो। क्यों? उनके लखी जिगर जो है ना। लख जिगर? वो क्या होता है जी? लखी जिगर वो जो होता है दिल का टुकड़ा। उनका बेटी, उसका शादी खानाबादी होने वाला है, उनको एकदम फुर्सत नहीं। 15-20 दिन बाद तुम इधर कुछ असर लगा लेना। लेकिन 15-20 दिन तक मैं कहाँ रहूंगा? बाबा तुम कहाँ रहेगा, तुमको बेहतर मालूम होगा, जाओ। लेकिन राय साहब जी के अलावा इस शहर में मेरा कोई और नहीं। बाबा हमारा बेचार न कहो, चलो मेहरबानी करके चलो बाहर, चलो चलो। खान, कौन है ये आदमी जिसे धक्के मारकर निकाल रहे हो? साहब पता नहीं कौन है, वो बोलता था कि आपसे मुलाकात करेगा। हमने बोला छोटा मेम साहब का शादी है, साहब नहीं मिलेगा। तुम गधे हो। साहब ठीक बोल रहे हैं। अरे साहब ठीक बोलता है, तुम किसी धोबी के पास जाओ नहीं, किधर का खड़ा है गड्ढा की तरह का। तुमको मालूम नहीं साहब के दरबार से कभी कोई खाली हाथ गया है? कुल्लू तुम लेकर आओ। अरे अब भी हाजिर करता हूँ नहीं। अरे साईं, अरे साईं रुको, अरे रुको साईं, अरे तुमको राय साहब से मिलने का ही नहीं। अरे चल दो चल दो। तुम्हें चुप क्यों है, सरकार सामने खड़ी है। कौन हो तुम, क्या बात है जी? आप बिहारी लाल जी को जानते हैं? बिहारी लाल कौन? ठाकुर बिहारी लाल? हाँ जी। अच्छी तरह से जानता हूँ, वो तो मेरा गहरा दोस्त है। कहाँ है वो, तुम्हें उसका पता मालूम है? जी मैं उनका लड़का हूँ जी। तुम उनके लड़के हो? राजन इतना छोटा सा देखा था तुम्हें, अब मेरे गले लग जाओ। लेकिन अरे पगले, प्यार कपड़ों से नहीं होता, दिल से होता है। चल अब मुझे अपने बेवफा दोस्त के पास ले चल, चल। लेकिन उनका तो स्वर्गवास हो गया। नहीं, हमेशा के लिए साथ छोड़ गया। मरते समय अगर उन्होंने किसी का नाम लिया जी, वो आप ही थे। उन्होंने कहा था मैं आपके पास जाऊं, आप मुझे काम धंधे पर लगा देंगे, अगर आप मुझे गरीब को सहारा देंगे तो बड़ी कृपा होगी। तू मेरे दोस्त की निशानी है, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं तेरे लिए करूंगा। तुम इसे अपना ही घर समझो, तेरी बेटी की शादी हो जाए फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। जब तक तुम शहर वगैरह घूम लो। शहर काहे को घूमूंगा जी, मैं शादी में आपका आहत बताऊंगा। जरूर जरूर, तुम थके हुए होगे, चल गए आराम कर लो। चलो बोलो, साहब के लिए कुछ समझ गए ना? अरे समझेगा क्या, अकलमंद को इशारा काफी है। ड्राइवर गाड़ी को पीछे के गियर में डालो और सिप्पे से मार्केट लेके चलो। रुक क्यों गए, अंदर आ जाओ। इसे अपना ही करना, किसी भी वक्त किसी चीज की जरूरत हो तो मांग, शर्माना नहीं। हमने सपने में भी ऐसे गजब का मकान नहीं देखा जी, ये तो इंद्रलोक लागे है। ऐसा लगता है चाचा जी कि आप इस इंद्रलोक के देवता हैं। बेटा इस कलयुग में आदमी को इंसान ही बनना मुश्किल है, तो देवता कैसे बन सकता है? नहीं चाचा जी, आप सचमुच देवता हैं। इतने बड़े किले जैसे मकान में रहते हैं और स्थान घमंड छू नहीं गया आपको। हमारे गांव में करम सिंह ने 4 कमरे का पक्का मकान और कुछ रुपए क्या कमा लिए, वो किसी से बात ही नहीं करता जी, हरदम अपने पैसे के अकड़ में रहता है। हाँ बेटा, नया नया पैसा कमाया होगा जी। आदमी पैसे से बड़ा नहीं बनता, आदमी वो बड़ा है जिसका दिल बड़ा, जो दूसरों के गम को अपना गम समझे और दूसरों की खुशी को अपनी खुशी। वाह वाह चाचा जी, क्या विचार है आपके। बेटा तुम थक गए होगे, जाकर आराम करो। प्रकाश जी, मेहमानों के कमरों में से एक कमरे मैंने पहुंचा दिया, जाओ ले जाओ। पीछे पीछे मुझे शंकर, ओ शंकर, जरा इन्हें मेहमानों वाला कोई कमरा दिखा दे, जाओ। अच्छा नमस्कार। नमस्कार, सब कुशल मंगल है जी? बाल बच्चे मजे में है जी? मेरा तो अभी ब्याह ही नहीं हुआ। ओह, भगवान ने चाहा तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अरे भैया तुम्हारी भूमि की शक्कर। आओ आओ आओ। ओ, ये रहा आपका कमरा। हाँ और उधर है बाथरूम। जी क्या होता है जी,
नहाने का कमरा। लेकिन मुझे भी स्नान नहीं करने का, पहले मैं जीवर के सोऊंगा, तुम जाओ। हाँ सुनो। आया जी। बोलो मैं साहिर। कभी कभी तक नहीं आई? अभी नहीं। कमाल है, हमें स्टेशन पर भी लेने नहीं आई, चार घंटे था और उसका पता नहीं है। मैम साहब, छोटी सरकार तो रात को वापस लौटेगी। क्यों? वो अपने शेखर बाबू है ना, जिनके साथ उनका ब्याह होने वाला है। हाँ हाँ। उन्हें शेखर बाबू के बड़े भाई रंजीत बाबू ने शादी की तारीख पक्की होने की खुशी में छोटी सरकार और उनके सब दोस्तों को पार्टी दी है। तो हम क्या छोटी सरकार की दुश्मन है जो हमें नहीं बुलाया? मगर आप लोग यहाँ थी कहाँ जो बुलाते? ना बाबा ना, मानना मान, मैं तेरा मेहमान नहीं बनना। जब आना होगा तब आ जाएगी, तुम जाओ। ये कविता की बच्ची भी थोड़े दिन शेखर का इंतजार नहीं कर सकती? क्यों क्यों क्या हुआ? थोड़े ही दिन शादी में बाकी है, लेकिन हर वक्त उसके गले का हार बनके घुमा करती है। हाय, इस वक्त ना जाने कविता क्या कर रही होगी।
स्टॉप द बैंड प्लीज। कम ऑन चिल्ड्रन, चलो खाना तैयार है जल्दी, सब चलो जल्दी जल्दी। कविता, शेखर, चलो तुम भी चलो जल्दी। आती हूँ। कहाँ जा रही? क्यों, खाना नहीं खाओगे? पहले मैं अपने मन की प्यास तो बुझा लूँ। क्यों? तुम्हारी लड़की की इज्जत और आबरू ही इसकी दौलत होती है, जिसे शादी की रात अपने पति को भेंट देती है। इसलिए मैं भिखारी बनकर अपने पति के पास नहीं जाना चाहती। लेकिन सरकार, यही गुलाम आपका पति? पति नहीं, होने वाला पति। लेकिन शादी में चंद ही दिन बाकी है। चंद दिन और सबर कीजिए, फिर मेरी आत्मा, मेरा शरीर क्या होगा। प्रकाश जी, वो मेरी सहेली आ गई। हाँ, जी हाँ। कहाँ है? ऊपर। वो मेरे बाजू वाले कमरे में? बाजू वाले कमरे में या दूसरे कमरे में, ये तो मुझे पता नहीं। आप कहें तो मैं देखा। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही देख लूँ। शायद शीला है, अभी बताती हूँ। पता नहीं जी, मेरा तो दिल धा 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 कर रहा है। मैं सो रहा था, ये आकर मेरे ऊपर टूट पड़ी, जैसे मुंह से चीख निकल गई। मैं समझो कि भूतनी है जो मुझसे लिपट गई। घबरा के मैं उछला, ये नीचे मैं ऊपर। शट अप, कौन है तू? इंसान हो जी, राजन मेरा नाम है, झुमरी तिलैया का रहने वाला हूँ। अरे मैं तो समझी थी कि तुम आगरे की रहने वाली हो। आप वहीं की रहने वाली हैं क्या जी? बकवास बंद करो, तुम इस कमरे में आए कैसे? आप भी बच्चों की तरह बात करती हैं देवी जी। इस कमरे में रेलगाड़ी या बैलगाड़ी तो आ नहीं सकती, पांव से ही चल कर आऊंगा। बड़ी कैंट की तरह जबान चलती है। निकलो निकलो बाहर। काहे को निकलूंगा, मैं कोई ऐरा गहरा नथू खेरा नहीं हूँ कि तुम आंखें दिखाओ और मैं डर के भाग जाऊँ। ये मेरा कमरा है। बड़े कहते हैं कि औरत जात की इज्जत करनी चाहिए, तो मैं तुम्हें बाहर निकाल देता। क्या? हाँ। तुम मुझे निकालेगा? जाता है धरती माँ से बात करूँ। ओहो, कैसी बेशर्मी की बात करती हैं जी आप। आप स्त्री होकर पुरुष को धक्का मारेंगी, लाज नहीं आएगी आपको? बाहर जाते हो? नहीं जी नहीं, ये मेरा कमरा है। तेरे बाप का कमरा है। प्रकाश, रामू, बंसी, कहाँ आ गए तुम लोग? ओहो, क्या हुआ बेटी, चिल्ला क्यों रही हो? पता नहीं कौन जंगली है डैडी, जरा गुस्सा हुआ है। ऐसा नहीं कहते बेटी, ये राजन हमारे स्वर्गवासी दोस्त का बेटा, अब ये यहीं हमारे साथ रहेगा। क्या हमारे साथ रहेगा? क्या हो गया है डैडी आपको? इसे रखना है तो नौकरों के कमरे में भेज दीजिए। कविता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे दोस्त का बेटा नौकरों के साथ रहेगा? ये हमारे साथ रहने की काबिल है? क्यों, क्या हुआ इसे? ये बेचारा गरीब है, इसके कपड़े मामूली है, इसलिए ये तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लेकिन याद रखो कविता, इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसकी इंसानियत और शराफत से होती है। मुझे तुम्हारी ये बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। चाचा जी, आप क्यों दुखी होती हैं? अगर इनकी इच्छा मुझे नौकरों के कमरे में रखने की है तो मैं शौक से चला जाता हूँ। नौकर बेचारे भी तो इंसान है, उनके साथ रहने में क्या हर्ज है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। लेकिन चाचा जी, यहाँ तो सब लड़कियां रहती हैं, इनके साथ पराए मर्द का रहना ठीक नहीं। ठीक है, तुम मेरे बराबर वाले कमरे में ठहर जाओ, आओ मेरे साथ। लेकिन अपना सामान तो ले। सामान नौकर ले आएंगे। नमस्ते। नमस्ते। हमारे गांव की औरतें छह छह गज की धोतियां क्यों बांधती हैं जी? सुनो जी, और तुम्हारे गांव में क्या क्या होता है जी? ओ, ओ,
देखो जी, इस तरह सामने ना हो। बड़े बूढ़े कहते हैं स्त्री को अपने शरीर पर पराये मर्द की नजर नहीं पड़ने देनी चाहिए। और अगर पड़ जाए तो ये बड़ी शर्म की बात होती है जी। अरे शर्म दुनिया में किधर है? अगर थोड़ी बहुत बात की भी है ना तो वो इधर ही है जो तुम देखता है। शेला बकवास करते हो, मैं भी कविता को बुलाती हूँ। रुको, अरे शेला, शेला रुको, अरे शेला, बड़ी तुम क्यों गर्म होती है? हमें खुद अपना मुंह काला करता है नहीं? That's right. अरे रे रे रे, कहाँ चल दिए? पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे गाँव में और क्या क्या होता है? जो यहाँ होता है जी वो वहाँ नहीं होता है। जो हिंदुस्तानी लड़की के बारे में सुना था और देखा था सब उल्टा हो गया जी। क्या उल्टा हो गया? बोले तो सही जी, बताओ जी। सुनाओ जी। हमरे देश में कहते थे हर लड़की हिंदुस्तानी, या राधा है या सीता है या झांसी की रानी। रामा हो रामा, रामा हो रामा, रामा हो रामा, रामा हो रामा। हमने गांव के पनघट के भाई, हमने गांव के पनघट के, हमने गांव के पनघट पे भाई देखी थी पनहारिया। चक्कर खा गए हम तोरे भैया, देखी शहर की नारिया। हमने गांव के पनघट पे, हमने गांव के पनघट पे भाई देखी थी पनहारिया। चक्कर खा गए हम तोरे भैया, देख शहर की नारियां। ओ हो हो हो, ओ हो हो हो। वहाँ सड़कें हैं वहाँ गलियाँ थी, यहाँ कांटे हैं वहाँ कलियाँ थी, वहाँ भंगा था यहाँ टमटम है, वहाँ गोरी थी यहाँ मैडम है, वहाँ पायल थी यहाँ सैंडल है, वहाँ पायल थी यहाँ सैंडल है, वहाँ झूमर था यहाँ पेंडल है, वहाँ घूंघट था यहाँ जलवा है, वहाँ शांति थी यहाँ बलवा है। बात बात पे करती है, बात बात पे करती है ये लड़ने की तैयारियाँ। चक्कर खा गए हम पर भैया, देख शहर की नारियाँ। शोला है कोई बिजली है, कोई एमए है कोई बीए है, कोई कोई तो पीए है, बस नाम ही तो एक असली है, बस नाम ही तो एक असली है, बाकी जो है सब नकली है। कैसी डोली क्या बाराती, खुद चुन ले ये जीवन साथी, शादी से पहले करती है शादी से पहले करती है अक्सर प्रेम कुआरियाँ। चक्कर खा गए हम पर भैया, देख शहर की नारियाँ।
हो ओ हो 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 रामा हो रामा रामा हो रामा यू ब्लडी फूल इडियट। अंग्रेजी भाषा तो समझ में आ रही नहीं जी, अपनी बोली बोलो तो कुछ बोलो। ये तुम्हारे बापा घर है जो मुझे जाने का इशारा कर रहे थे? अरे बिगड़ी है नहीं, अगर आप कहें तो मैं आने का इशारा कर दूं। बापा घर दो। क्रोध तंदुरुस्ती के लिए खराब होता है जी। अब मेरी मानिए तो आप मुस्कुराती रहा करिए, बड़े बूढ़े कहते हैं मुस्कुराहट में भगवान की लीला होती है। सुनिए सुनिए जी, ओ चली गई। सच्ची बात सुनने के लिए संसार में कोई तैयारी नहीं है जी। थोड़ी देर कमर तो सीधी कर लेने दो। लो लड़की वालों की तरफ से हो गए जी, बात करते तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जब तक गोली इस घर से न उठ जाए कोई आराम का नाम नहीं लेगा। चलिए जाइए दूसरा लेकर आइए। आगो आगो आगो। कितना अच्छा नेक लड़का है। करेक्ट, वरी हम भी यही बोलता है नहीं राजन जी। हर वक्त काम करते रहते हो, किसी वक्त आराम भी किया करो। लीजिए चाचा जी, अगर हम लोग आराम करेंगे तो फिर काम कौन करेगा? लड़के वालों के सामने नाक नहीं कटनी चाहिए। बड़े बूढ़े कहते हैं कि गया धन लौट आता है लेकिन गई इज्जत वापस नहीं आती जी। अरे वेरी गुड, क्या सॉलिड बात करता है। चाचा जी दुल्हन को लगाने के लिए मेहंदी नहीं मिल रही। आप चिंता ना करें, मैंने संभाल के रखी है जी। बड़े बूढ़े कहते हैं कि हर शादी ब्याह वाले घर में सामान गायब होने का डर रहता है, इसलिए मैंने ब्याह की हर जरूरी चीज ताले में बंद करके रखी है। तुम चलो जी, मैं लेकर आता हूँ। बड़ा होशियार लड़का है। वेरी करेक्ट, वेरी गुड। हाँ तो कविता देवी, क्या होगा सुहाग रात में मैं बताती हूँ। ये दुल्हन बनी बैठी होंगी बिल्कुल सिमटी सिमटाई सी, फिर इनके शेखर बाबू आएंगे, फिर इनके पास बैठकर धीरे से घूंघट उठाएंगे, फिर ये पलके झुकाएंगे, फिर वो कहेंगे हमसे क्यों शर्मा रही हो मेरी जान, हम तो तुम्हारे चाहने वाले हैं, जीवन साथी हैं। फिर वो इन्हें अपने सीने से लगा ले। फिर एक तारा बोले कली कली कन कन कन, कली कली कन कन कन, कली कली कन कन कन, कली कली कन कन कन। नाराज क्यों होती है? मैंने जानबूझ के टक्कर नहीं मारी थी, नसीब में ही टक्कर लिखी तो मैं क्या करूँ। टक्कर के बच्चे तो आप गुस्सा कैसे? बताता हूँ, खास मतलब से ही गुस्सा था जी, मेहंदी लाया हूँ। तुम क्यों लाए हो? नौकर लो मारे हैं क्या? ये काम नौकरों का नहीं, ये काम खास करते हैं। हाँ। आया रिश्तेदार बनने वाला, इधर लाओ मेहंदी और चलते बनो। इडियट जी, आपने मुझे बुलाया? नहीं, निकल आ गए। ना 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 ना, देखिए देखिए आपको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, आपकी शादी होने वाली है। बड़े बूढ़े कहते हैं कि कन्या को ऐसे मौके पर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, शर्मा के गुड़िया बनकर एक कोने में बैठना चाहिए, उनको चेहरे पर रौनक नहीं आती है जी। शट अप, बहुत जबान चलाने लगा है, हमारा नमक खाता है और हम ही पे नसीहत करता है। ये ना समझना कि डैडी ने मुंह लगा लिया है तो मालिक बन गया घर का, धक के माता निकलवा दूंगी, समझे? चल यहाँ से चल। सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम धियो यो न प्रचोदयात्।
राय साहब, लग्न का शुभ मुहूर्त बीत रहा है, समय को नष्ट न कीजिए, कन्या को शीघ्र ही बुलाइए। अभी बुलाता हूं पंडित जी। राजन जी, कविता को ले आओ। लेकिन मैं, जाओ जल्दी ले आओ। ऐसी भी क्या जल्दी है राय साहब, दुल्हन थोड़ी देर बाद आ जाएगी। मैं समझा। राय साहब, बड़े ताज्जुब की बात है कि आपको पता नहीं कि सारी बातें फेरों से पहले ही तय हो जाती हैं। कैसी बातें? आप मजाक कर रहे हैं? मजाक करने की मुझे आदत नहीं। आपको जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए। मेरा ख्याल है अकेले में सुनने तो ज्यादा बेहतर। आपको जो कुछ कहना है यहीं कह डालिए। माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं चाहता कि कल को कोई झंझट हो, इसलिए जहेज की बात फेरों से पहले ही तय हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। मेरे कौन से 5-10 बच्चे, एक कविता ही तो है। मेरा जो कुछ है वो उसका है, और जो उसका है वो उसके पति। फिर तो ठीक है, फेरों से पहले जायदाद लड़की और दामाद के नाम कर दीजिए। आप मुझे दामाद और बेटी का मोहताज बनाना चाहते हैं? जब तक मैं जिंदा हूं मालिक मैं ही रहूंगा, मेरे बाद मेरी बेटी और दामाद इस जायदाद के वारिस होंगे। कल क्या होगा कौन जाने। हो सकता है कि आप लड़की और दामाद से नाराज हो जाएं और जायदाद उनके नाम ही न करें, और ये भी हो सकता है कि कल को ये जायदाद बाकी ही न रहे और आप दिवालिया हो जाएं। होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो यहां होने वाला है वो मैं आपको बता चुका हूं। राय साहब, जो आपने बताया है वो नहीं होगा, जो मैं कह रहा हूं वो होगा। आपको लड़की और दामाद के नाम जायदाद लिखनी पड़ेगी। मुझे हुक्म देने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। सर कट सकता है लेकिन छुप नहीं सकता। अगर तुम अपने भाई की शादी मेरी बेटी के साथ करने आए हो तो सर आंखों पर, और अगर मेरी जायदाद से करने आए हो तो कोठी का दरवाजा उस पर। अगर ये बात है तो राय साहब ये शादी नहीं होगी। शेखर, ठहरो। शेखर, मुझे तुमसे पहला और आखिरी सवाल करना है, तुम कविता से प्यार करते हो या नहीं? मैं अपने भाई के हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। अगर आप जायदाद नाम कर दें तो मैं शादी करने के लिए तैयार। तुम लोग जा सकते हो। राय साहब, अब भी वक्त है, एक बार फिर सोच लीजिए। अगर आप जायदाद मेरे साथ कविता, गजब हो गया, बारात वापिस जा रही है। तुम्हारे पिताजी और शेखर के भाई में दहेज के लिए झगड़ा हो गया है। क्या? लेकिन जजमान, ये तो बड़ी बदसगुनी हुई। दुल्हन बनाकर मांझे से कन्या को उठा लेना बुरी बात है। चाचा जी, बड़े बूढ़े कहते हैं कि क्षमा में जो शक्ति है वो क्रोध में नहीं है। जी, अब भी मौका है, मैं हाथ पांव जोड़कर उन्हें वापस लाता हूँ। नहीं राजन, तुम सीधे और शरीफ आदमी हो, तुम नहीं जानते ये कमीने क्या स्कीम बनाकर लाए थे। मेरी जायदाद मिलने के बाद ये मुझे तो क्या, कविता को भी जहर देकर रास्ते से हटा देते। यजमान, आपने ये नहीं सोचा, इस बदसगुनी के बाद कोई अच्छे कुल का लड़का इस कन्या से विवाह नहीं करेगा। पंडित जी, अगर एक बारात वापस जा सकती है तो दूसरी इसी वक्त आ सकती है। लड़की सुहाग का जोड़ा पहनने के बाद उसे उतारेगी नहीं, फेरे होंगे, दुल्हा बदल जाएगा। राजन, गद्दी पर बैठ जाओ। जी, मैं बैठ जाओ बेटा। आप कैसी बातें करते हैं जी, कहां आकाश और कहां पाताल। आपके टुकड़े तोड़ने वाला आपकी बराबरी कैसे कर सकता है जी? मेहमान टुकड़े तोड़ने वाला नहीं होता। तुम भी शरीफ खानदान से हो और फिर मेरे दोस्त की निशानी हो। इससे मैं अनपढ़ गंवार, मैं तो आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं जी। ऐसा ना कहो राजन, तुम क्या हो मेरे दिल से पूछो। मेरी इज्जत मंझधार में फट गई है, अगर हो सके तो इसे बचा लो। चाचा जी, राय साहब तुम्हारी शादी राजन से कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन वो तुम्हें लेने आ रहे हैं, आने दो।
यहाँ से मैं नहीं, मेरी लाश। लाश, लाश तो अपनी इज्जत की मठा कर ला रहा हूँ मंडप, और उसका कारण हो तुम। तुम्हारी इज्जत की वजह अपनी मर्जी के खिलाफ मैंने तुम्हारी मंगनी शेखर के साथ करती थी। कलीजा भुगत रहा, उसने बड़ी महफिल में तुम्हारे साथ शादी करने से इनकार कर दिया। जानती हो क्यों? इसलिए कि उसे तुमसे नहीं मेरी दौलत से प्यार है, वो तुमसे नहीं मेरी जायदाद से शादी करना चाहता है। अब भी तुम समझते हो कि माँ बाप औलाद के दुश्मन होते हैं। लेकिन आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? तुम उसके साथ शादी नहीं करना चाहती इसलिए कि राजन गरीब है, अनपढ़ है, सूट नहीं पहनता, उसके पास नौकर चाकर और नौकरी नहीं। लेकिन ये ना भूलो कविता, इंसान की शराफत का सबूत उसके कर्म है, दौलत नहीं। देख लो शेखर ने क्या किया, दौलत होते हुए भी दौलत की खातिर उसने तुम्हारे प्यार को छुरा दिया। आप भी तो दौलत के लिए अपनी बेटी की कुर्बान कर रहे हैं। नहीं, बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा रहा हूं। आप क्या समझते हैं मैं राजन से खुश रह सकती हूँ? हाँ, लेकिन मुझे उसकी शर्त नफरत है। मैं उस गवार और अनपढ़ से शादी करके एक साल भी खुश नहीं रह सकती। मैं उसे हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। कविता, तुम्हें राजन से शादी करनी होगी अभी इसी वक्त, ये हमारा हुक्म है। ठीक है, आप जबरदस्ती फेरे फिरवा सकते हैं लेकिन उसका बनने के लिए मुझे मजबूर नहीं कर सकते हैं। कविता! चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो आज से बहुत पहले मुझे करना चाहिए था। इस गुस्ताख की ये हिम्मत के मुझसे ऐसी बेहुदा बातें करे, और अब भी इसने इनकार किया, मैं इसे भी खत्म कर दूंगा, खुद भी जान दे दूंगा। ले आओ इसे मंडप में। क्या ठाट है, क्या बात है, अब तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। राम 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 राम, आप अपनी सहेली को कढ़ाई कहती हैं? अगर मिसाल देनी थी तो कुछ अच्छी मिसाल दी होती, जैसे गुलाब का फूल, बेले का फूल, धतूरे का फूल। चलिए महाराज, आपको जगह दिखा दे। अजी, आप तकलीफ क्यों करती हैं, मैं खुद ही पहुंच जाता हूं। हाँ जी, आप तो बहुत पहुंची हुई। ये क्या कर रही हैं आप? जाइए, जाइए। शुभ रात्रि, करना आने में देर होगी। बात दरअसल ये है, तुम्हारी सखियां दिल लगी कर रही थी, लेकिन ये ना समझना पहली रात इंतजार कराया है तो जीवन भर आ दिखाऊंगा। यदि कहोगी समय से 15 मिनट पहले आ जाऊंगा। हाँ, तुम अभी यहाँ क्यों आए हो? पहले दरवाजे की चटखनी लगा लो, फिर बताता हूँ। ठहरो, दरवाजा बंद नहीं होगा। लो, कैसी बच्चों जैसी बात करती हो जी, घर में मेहमान भरे हैं, कल से कोई अंदर आ गया तो क्या होगा? बताओ बताओ। जोर से कहूंगा ना तो कोई सुन लेगा, तुम्हारे पास आकर कान में कहता हूँ। मेरी करीब आए तो ठीक नहीं होगा। कैसी बात करती हो जी, सुहाग रात से तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो कब आऊंगा? आज की रात तो मिलन की रात है जी। मिलन की नहीं, तुम्हारी मौत की रात है। सत्य वचन है जी, बिल्कुल सत्य वचन। आज की रात तो कत्ल की रात है, तुम्हारी सुंदरता और भरपूर यौवन आज हमारी जान ले लेगा जी। बकवास बंद करो। ओहो, मजाक नहीं करता हूँ, सच कहता हूँ जी। पहले दिन जब तुम मेरे ऊपर आकर टूट पड़ी थी ना, उसी दिन से मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ कुछ होने लगा था जी। क्या होने लगा था? वो प्रेमी होगा जी। प्रेम के बच्चे, अपनी सूरत कभी आईने में देखी है? ये माना कि तुम हंसी हो जी, लेकिन दिखने में हम भी कुछ बुरे नहीं है जी। क्यों, क्या ख्याल है? मेरा क्या ख्याल है जानना चाहते हो? बताओ। मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत है। मैं नफरत को मोहब्बत में बदल दूंगा, बस
एक बार मेरी बन जाओ फिर नफरत की दीवार गिर जाएगी और मोहब्बत का हरा भरा मैदान सामने दिखाई देने लगेगा। यही अरमान है तुम चिता में जल जाओगे। मेरा तुम्हारा कोई रास्ता नहीं, तुम सब अपने कमरे के बाहर चले जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। देखो प्यासे को बिना पानी पिलाए भेज देना चाहती हूँ, अपने कोमल होठों के प्याले से अपनी जवानी का गुलाब जल पिला देना। आने के बाद उस राय बहादुर के बच्चे ने कविता की शादी गंवार से कर दी। व्हाट? यस। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, बड़ा भरोसा था ना उसकी मोहब्बत पर तुम्हें, कहता था मेरे अलावा और किसी से शादी नहीं करेगी, लेकिन भैया उस राय बहादुर ने जबरदस्ती शादी करवाई। मगर तुम तो कहते थे कि वो लड़की के इशारों पर नाचता है। नाचता तो था, तो आपने अचानक ऐसे शुरू कर दिया। यही पता होता तो सोने की चिड़िया हाथ से क्यों निकल जाती, 5-10 लाख में फैसला ना कर लेते। अरे 5-10 से क्या बनता है, राय बहादुर की जायदाद के चक्कर में लाखों का कर्जा हो गया है, लगता है करोड़पति बनकर ख्वाब देखते देखते एक दिन भिखारी हो जाएंगे। आप फिक्र न कीजिए भैया, शादी हो गई तो तलाक भी हो सकती है, राय बहादुर की जायदाद मेरी होके रहेगी। तुम घर बैठे बैठे ख्वाब देखते रहो, ये ख्वाब एक दिन हकीकत ना बन जाए तो मेरा नाम शेखर नहीं। मैं देख रहा हूं कल रात से तुम क्या ड्रामा कर रही हो, पति के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं। वो मेरा कोई नहीं है, मेरा से कोई वास्ता नहीं है, शादी आपने जबरदस्ती कराई है, मैं इस शादी को नहीं मानती। तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होता है, अब वो तुम्हारा पति, तुम्हें उसके साथ जीवन बिताना है। मैं इसकी सूरत भी देखना पसंद नहीं करती, अगर आपने मुझे मजबूर किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। खुदकुशी तुम नहीं मैं कर लूंगा, अगर आज शाम को रिसेप्शन में तुमने कोई बदतमीजी या कोई भी गड़बड़ की तो मेरी लाश वहां से आएगी। राजन, अरे राजन, बोलो जी आइए पधारिए। वरी तुम हमको पधारने का बोलता है और खुद मैदान छोड़कर भागता है, वरी मैं ये क्या सुनता हूँ? क्या सुहागरात में तुम दुल्हन को छोड़कर भाग गए? मैं छोड़कर नहीं भागा जी, उन्होंने मारकर भगा दिया। वरी चुप रहो, दीवार का भी कान होता है, कोई सुन लेगा तो नाक कट जाएगा कि एक लड़की से हार गया। लड़की? अजी वो लड़की नहीं, शेरनी। शेरनी? वरी असली शेरनी को सर्कस वाला पालतू बिल्ली बना देता है, तुम एक लड़की को पालतू बिल्ली नहीं बना सकता है। पालतू बिल्ली? देखो गोलू जी तुम्हें कोई तरकीब बताओ ना, तुम बहुत तजुर्बेकार लगते हो जी। अरे वरी एक लड़की तो क्या, दर्जन दो दर्जन लड़की को एक साथ ट्रेंड कर देगा। देखो जिद्दी लड़की और जंगली घोड़ी दोनों बराबर होता है, जब जंगली घोड़ी पर सवारी करना होती है ना तो पहले उसको पुचकारते हैं, फिर हाथ फेरते हैं, फिर लगाम पकड़ कर जंप करके चल जाते। उसी तरह जब लड़की को देखे तो मर्द को चाहिए कि उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराए, उसकी तरफ देखे, पास जाए, पुचकारे और फेरे, फिर लगाम लगाए और क्या हुआ? अरे लगाम किधर लगाएगा लड़की को, लगाम नहीं लगावे, उसकी कमर में हाथ डालकर उसको लिपटावे। फिर वरी तो क्या टोटल कार्रवाई, हम ही बताएंगा, तुम भी तो कुछ अपना अकल वापरो नहीं। देखो हम तुमको रास्ता बताता है, जाना नहीं जाना तुम्हारा काम। समझा समझा, बिल्कुल समझ गया। आज तुमने वरी ये प्रोग्राम तुम उधर बताएंगे ना तो हमको प्रूफ बनाने का जरूरत ही नहीं है। राजन बेटा मुझे तुमसे कुछ कहना है। चाचा जी आपने क्यों गश्त किया, मुझे बुला लेते जी, मैं आ जाता। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कविता ने जो तुम्हारे साथ सलूक किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। राम 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 राम, आप कैसी बात करते हैं चाचा जी, बड़े बूढ़े कहते हैं कि माफी मांगना छोटों का काम है, बड़ों का नहीं। आपने ब्याह कर दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म,
आप उन्हें सही रास्ते पर लाना मेरा काम है, आपका नहीं, क्यों गुलू जी? करेक्ट। शाबाश, अगर वो सही रास्ते पर आ जाए तो और क्या चाहिए। बेटा आज रिसेप्शन है, कार्ड बन चुके हैं, अगर वहाँ वो कुछ बदतमीजी करे भी तो संभाल लेना। जी जी संभाल लूंगा, बस मैं यही कहने आया। सुनिए जी, किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? अरे रिसेप्शन, वो क्या होता है जी? वही रिसेप्शन होता है शादी ब्याह की खुशी में जो दावत करते हैं नी, वो रिसेप्शन होता है। बड़ी याद रखो, और सुनो हमारा वो फार्मूला नहीं भूलने का। महाराज क्या खास है? अगर आज शाम को रिसेप्शन में तुमने कोई बदतमीजी या कोई भी गड़बड़ की तो मेरी लाश वहां से आएगी। मैं समझ लूंगी। बड़ी आपने कुछ फरमाया नहीं तो? बड़ी तो हमारी तरफ से प्रेजेंट कबूल करो नी। डबल बेबी। धन्यवाद, अच्छा है ना? बड़ी हम तो परिवार नियोजन पर बिलीव करता है, इसके वास्ते प्रेजेंट लाया है ऐसा। बोलो। इस तरह प्रेजेंट देने में तो घंटों निकल जाएंगे, प्रोग्राम का क्या होगा? आप फिक्र नहीं करो, अब भी स्टार्ट कराता हूँ। जल्दी कराओ। एक्सक्यूज मी भाई और बहनों, बड़ी शुक्रिया, थैंक यू बोलते बोलते दूल्हा दुल्हन के हाथ पांव मुंह तीनों आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे। इसके वास्ते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना प्रेजेंट अपने पास रखो, हम लोग उधर इसे करेक्ट कर लेंगे। ओके, थैंक यू, आप लोग बैठो नी। अरे माई क्या बॉय, अरे जल्दी करो नी। अभी आप लोग आराम से बैठ जाइए और ईरान की मशहूर डांसर शीरीन और उसका पार्टी का डांस देखिए। अरे हमारी तरफ नहीं देखो, उधर देखो। Thank you.
हसीना नाच के दुनिया देखे, धमक धमक के नाच के दुनिया देखे, नाच हसीना नाच के दुनिया देखे, तेरे इशारों पे नाचे जमाना, तू मेरे इशारों पे नाच के दुनिया देखे, नाच हसीना नाच के देखे। इंकार की गुंजाइश नहीं, इंकार की गुंजाइश नहीं, तकरार की गुंजाइश नहीं, अब मान जा बस जान, मेरी नजरें पहचान जा, झूम हसीना झूम के दुनिया देखे, नाच हसीना नाच के दुनिया देखे, धमक धमक के नाच के दुनिया देखे। और तू ना समझे कहीं, कुछ और तू ना समझे कहीं, ये हुक्म है फरमाइश नहीं, इस राज से अंदाज से मेरी जानिब इस नाज से, देख हसीना देख के दुनिया देखे, नाच हसीना नाच के दुनिया देखे, थमक थमक के नाच के दुनिया देखे। ला 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 मदहोशी है, मस्ती में है तू मदहोशी है, पर किस लिए तू खामोश है, लहरा के बलखा के घबरा के शर्मा के, बोल हसीना बोल के दुनिया देखे, नाच हसीना नाच के दुनिया देखे, थमक थमक के नाच के दुनिया देखे, तेरे इशारों पे नाचे जमाना, तू मेरे इशारों पे नाच के दुनिया देखे, नाच हसीना नाच के दुनिया देखे, नाच हसीना नाच। Thank you.
राजन अगर जाग रहा हो तो बुला लो। अच्छी बात। राजन राजन, अरे राजन, पूरी मालूम होता है मैदान मार दिया बहादुर ने। अरे वो तो रूम में ही नहीं है। कहाँ गया? लगता है दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरी सब चिंता दूर हो गई। चलो तुम जा सकते हो। बड़ी बाय द वे, कल आपने कंपनी के डायरेक्टर्स का मीटिंग बुलाया है, याद है नहीं? हाँ याद है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे वही, तुम तो हमसे पहले एकदम सुक्का निकला था, नहीं एकदम किला हमसे पिच्छू आता है। व्हाट इज दिस? जी, उन्होंने मुझे रास्ते में गाड़ी में से उतार दिया। अरे वेरी गुड, उसने उतार दिया ना, तुम उतर पड़ा। अरे तुम उसकी घरवाली है कि वो तुम्हारी घरवाली है? अरे हम तुम्हारी जगह होता नहीं तो वो पैदल आता और हम कार में। आप भी कैसी बात करते हो जी, अगर वो भीगती तो उनकी तबीयत खराब नहीं हो जाती? औरत जात तो फूल के समान होती है जी। बड़ी ये फूल कांटे वाला फूल है। मैं कांटों को पंखड़ियों में बदल दूंगा जी। बड़े बूढ़े कहते हैं अगर प्रेम हो तो विष का प्याला भी अमृत बन जाता है। अरे वेरी गुड, क्या बात बोला है। वही बात को तुम फिर ट्राई मारो। क्या मारो? ट्राई। वो क्या होता है जी? वही ट्राई ट्राई होता है नी? अरे कोशिश। वही रात को जब सब सो जावे तो तुम उसको मिलने को जाओ। वही मौसम बड़ा ब्यूटीफुल है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, हो सकता है उसका दिल मचल जावे। वही ऐसा करो, तुम कपड़ा बदली करो, मैं चलता हूँ। गुड बड़ी गुड नाइट बोलूंगा तो फिर तुम मतलब पूछेगा नहीं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। क्यों जी, नींद नहीं आ रही है? हाय हाय हाय, इधर उधर ऐसे देख रही हो जैसे शिकारी को देखकर हिरनी चौकन्नी हो जाए। हाय वाह 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 वाह, अति सुंदर लग रही हूँ, जैसे जैसे लहराता हुआ सरसों का खेत। जी मैं इधर हूँ। हाय, बड़ी ठंडी हवा चल रही है, अंदर आ जाऊं? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। भले मुंह तोड़ दूं लेकिन दिल न तोड़ू। इसमें आग लगी है, बुझा दो ना। बुझाऊंगी नहीं, जला दूंगी। कोई फायदा नहीं ऐसी जिद से, ना तुम्हें चैन ना मुझे करार। मेरे दिल का इंजन तुम्हारे प्यार की पटरी पर दौड़ने के लिए बेचैन है। सिंगल गिरा दो ना। मैं तो जान से मार दूंगी। इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं, बस तुम आंख मारो, हम खुद मर जाएंगे। यू रख के? कोई फायदा नहीं, मैंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। हाँ, अगर तुम प्यार मोहब्बत की बात करने का वायदा करो तो खोल दू। मैं तेरी खोपड़ी खोल दूंगी। बत्ती क्यों गुल कर दी? बड़े बूढ़े कहते हैं कि जवान औरत को अंधेरे कमरे में अकेले नहीं सोना चाहिए। हा? एक से भले दो होते हैं जी,
किसी को पता नहीं चलेगा। खोल लूं दरवाजा। अजी सुनती हो? नहीं सुनती। शुभ रात्रि। शिखर, अरे ये ताजवाट देख, कविता आ रही है। क्या? मैं कहता हूँ आज उसे शीशे में जरूर उतार लेना। मैं जा रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो भैया। शादी मुबारक हो। लानत भेजो शादी के नाम पर। तुमने मुझे धोखा दिया, रुपए के लिए शादी से इनकार कर दिया। कविता, भाई की जिद ने मुझे बर्बाद कर दिया है। भरी महफिल में लोग मुझ पर थूकते कि मैंने बाप समान बड़े भाई की इज्जत नहीं रखी, बात नहीं मानी। जो हुआ से भूल जाओ, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो, कहीं और शादी कर लो। कविता, अगर मैं तुम्हारा नहीं बन सका तो मैं किसी का नहीं बनूंगा। तुम खुश रहो, आबाद रहो। मुझे उसकी सूरत से नफरत है। मेरे टुकड़े पे पलने वाला मेरा पति नहीं बन सकता है। वो तो बन चुका है। फिर उसे क्या होता है? वो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। सच? तो उसे छुटकारा क्यों नहीं पा लेती? जब तक डैडी जिंदा है ये नहीं हो सकता है। उसे ना मैं तलाक ले सकती हूँ ना वो घर छोड़ सकता है। कविता, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर कुछ ना हो सका मैं तुम्हारा नाम लेते लेते जान दे दूंगा। आइए गुलूजी। अरे बुद्धू, तुम इधर बैठा है उधर शिकारी शिकार को जाल में फंसता है। क्या हुआ जी? बड़ी पूछताछ क्या नहीं हुआ? ड्राइवर बोलता था कविता शेखर से मिलने गई है। किसी से मिलने में क्या बुराई है जी? बड़े बूढ़े कहते हैं कि पति को पत्नी पर और पत्नी को पति पर भरोसा होना चाहिए। यदि कुछ मतभेद हो तो उसे प्यार से दूर करना चाहिए जी। बड़ी तुम्हारे बाप को तुम्हारा नाम राजन नहीं भोला नाथ रखना चाहिए था। वरी जब तुमने हमको गुरु माना है तो गुरु की बात भी सुनो। अरे पागल, प्रेम से विश्व को अमृत बनाने की तरकीब छोड़ो, उसको जबरदस्ती अपना बनाओ। जबरदस्ती? बड़ी हाँ, जब वो एक दफा तुम्हारी हो जाएंगी ना तो सदा के वास्ते हो जाएंगी। लेकिन भैया, उसके हाथ में जो चीज आती है उठाकर मारने लगती है, कहीं चोट वोट लग गई तो? चोट? आइडिया, बड़ी एकदम सॉलिड आइडिया। मैं हूँ तुम्हारा पति परमेश्वर। पति परमेश्वर के बच्चे? कमरे में आने की हिम्मत कैसे की? बड़ी जान जोखिम का काम था जी। सीढ़ी बम्बे की सीढ़ी से लटक कर ऊपर आया। तुम्हारी जुदाई ने मेरे सीने में आग लगा दी। न दिन को चैन है न रात को आराम। बता बंद करो और कमरे के बाहर चले जाओ। बाहर जाना होता तो ये पहनकर क्यों आता? आज तो मैं अपना हक लेके आऊंगा, नहीं छोडूंगा। आगे बढ़े तो ठीक नहीं होगा। मैं चिल्ला चिल्ला के घर वालों को इकट्ठा कर लूंगी। घर वाले क्या बोलेंगे? दामाद को लड़की के पास जाने से ससुर और उनके नौकर नहीं रोक सकते। वो क्या, भारत सरकार भी नहीं रोक सकती। पीछे हट जाओ, मेरे सीने से लग जाओ। आगे बढ़े तो ठीक नहीं होगा। आगे बढ़ूंगा तो ही ठीक होगा। आज फतेह का झंडा लहरा कर आऊंगा। हेलो, कुछ असर नहीं होने वाला। हथियार डाल दो और सुले की झंडी लहरा दो। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। पहले नैनों की मदिरा पी लेने दो, मेरा खून भी पी लेगा। देखिए, चोट तो नहीं लगी? हाय हाय हाय,
होने देता है। जी चाहता है जहर खाकर खुदकुशी कर लूं। कविता, राम का नाम लो, कभी ऐसा सोचना तक नहीं। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सोचना पड़ेगा। आइडिया, कविता तुम कुछ दिनों के लिए हिल स्टेशन चले चलो, वहां पहले हम ठेकेदारी करते थे, जंगल में कॉटेज है, वहां पर तुम्हें जरूर सुकून मिलेगा और वहां हम इस गंवार से छुटकारा पाने की तरकीब भी सोच लेंगे। लेकिन डैडी से क्या कहूँ, वो अकेले नहीं जाने देंगे। तुम्हारे डैडी एक बहुत बड़े विलन है, प्रॉब्लम बन गए। अरे हाँ, तुम उनसे कह दो तुम अपनी सहेलियों के साथ जा रही हो। हाँ ये तरकीब अच्छी है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ओके। चिड़िया खुद जाल में फंस गई, अब तुम वहां से शेखर की बन के आओगी। मैं आपकी सहेली के पास कुछ दिनों के लिए हिल स्टेशन जाना चाहती हूँ, आप कहे तो चले जाऊं। तुम्हारी सब सहेलियां शादी पर तो यहाँ आई थी, उनसे तो मिल चुकी हो, फिर जाने की क्या जरूरत? जी वो जिसके पास जा रही हूँ वो नहीं आई थी, बीमार है, सेनेटोरियम में उसे देखने के लिए जाना चाहती हूँ। अगर जाना जरूरी है तो चली जाओ। जी अच्छा। सुनो कैसे जाओगी, किसी को तो साथ में जाना चाहिए, इसलिए राजन को साथ ले जाओ। करेक्ट। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है डैडी, कार में अकेली जा सकती हूँ, सिर्फ चंद घंटे का रास्ता है। लेकिन अगर तुम्हारा पति साथ चला जाए तो हालत क्या? वेरी करेक्ट। शट अप। सॉरी। गले मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है डैडी, भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। जिया बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधुवदन निहार। बेटा तुम जो ये पढ़ रहे हो आज इसका उल्टा हो रहा है, कविता तुम्हें यहाँ छोड़कर किसी सहेली के पास पहाड़ जा रही है। चाचा जी जब आप उन्हें जाने से नहीं रोक सके तो भला मैं कौन होता हूँ उन्हें रोकने वाला। तुम सब कुछ होते हो, शादी के बाद लड़की बाप की नहीं पति की जिम्मेदारी होती है। बड़े बूढ़े कहते हैं जी, मानो तो देव न मानो तो पत्थर, और पत्थर तो क्या, मैं तो उनकी नजर में तिनका हूं जी। उसकी नजर में तुम क्या हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन दुनिया की नजर में, भगवान और धर्म की नजर में तुम उसके पति हो और वो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे खानदान की इज्जत, और अपनी इज्जत को संभालना तुम्हारा काम है मेरा नहीं। हो सकता है वो किसी गलत रास्ते जा रही हो। लेकिन चाचा जी मैं कर क्या सकता हूँ? आओ कविता, ये रहा आपका कमरा और वो रहा आपके गुलाम का कमरा। सलाम साहब। सलाम। देखो मेम साहब का सीट से उठा के अंदर ले जाओ, उसके बाद मेरे पास आना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ कविता। ओके सही हो। दरवाजे क्यों बंद कर दिया? अपनी बदनसीबी को खुशनसीबी में बदलने के लिए। छोड़ दो मुझे, क्या हो गया तुम्हें? कविता नादान मत बनो, तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारी जुदाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, अब तुम न रहोगी मैं न रहूंगा, आज दोनों एक हो जाएंगे। नहीं! ये प्यार नहीं वासना है,
तुम्हें इस वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक मैं राजन से तलाक लेके तुमसे शादी ना कर लूं। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, मेरे सब्र हर चुका है, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। शेखा, मैं कभी भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकते हो, इतना बुरा कर सकते हो। तुम कुछ भी कहो, आज मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा। आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला के सारे दिनों तो कट्टा कर लूंगी। इस जंगल में तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनेगा। प्यार में तू अंधी थी, बड़ा भरोसा था तुझे इस पर, बड़ा शरीफ था ये, इसलिए तुझे मजबूर और बेबस करके तेरी इज्जत लूटा, डूब भर चू भर पानी में। मेरी दर्द थी, तेरा पति था मैं, समाज और धर्म ने मुझे आजादी दे रखी थी, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि क्योंकि मैं तुझे प्यार से जीतना चाहता था। मेरा मुंह क्यों देख रही है, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत रास्ते पर जा रही थी, आप ही मेरे सब कुछ है, मेरे भगवान है, चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मुझे खुद से अलग न कीजिए। आ, 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 आ,
बड़े बूढ़ों ने कहा है जी कि रोने वाले को गले से लगा लेना चाहिए। दागों में एक दाग और बढ़ा दो। सुनो ए, ए कविता कविता सुनो तो सुनो। आते हैं रात भर तू किसी के साथ जागी है हो रात जागी है बात बताते हैं रात भर तू किसी के साथ जागी है हो रात जागी है। पास तो आने दो निगाहों में बस जाने दो थोड़ा पास तो आने दो निगाहों में बस जाने दो है बेचैन अपना दिल दिल को बह दो आंखें तो मिलाने दो रूठो और मनाने दो तौबा मेरी मेरी तौबा निकला रे प्रेमी तो कोई बैरागी है बैरागी है।
तेरा आंचल हो बात बताता है, हाथ सैना से छुड़ा के रात भागी है, हो रात भागी है। ना तो नींद आती है ना हमको चैन आता है, ना तो नींद आती है ना हमको चैन आता है, तेरा रूप रसीला है मीठे तीर चलाता है, दिल जो गीत गाता है तेरा नाम बुलाता है, तेरा दिल दीवाने गीत सुनाता है। नैना तेरे नैना हो बात बताते हैं, रात भर तू किसी के साथ जागी है, हो रात जागी है। आग जैसे जिया में तेरे लागी है, आग लागी है। प्रकाश, साहब का कमरे से सारा सामान ऊपर लेके आना, मैं जाकर कपड़े बदल लूं। तुम बदल लो, मैं बाद में बदल लूंगा। बुढ़ी अक्कल काम नहीं करती है, ब्रेन फेल हो गया है, ये कुछ ऐसा खेल हो गया है। बुढ़ी क्या चमत्कार दिखाया है, जो पहले बिजली बल कर करकती थी अभी बरखा बनकर बरसती है। गुलू जी, बड़े बूढ़े कहते हैं सबर का फल मीठा होता है। वरी अब तुम्हारे बीच में कोई दीवार तो नहीं है? नी अजी, दीवार तो क्या, तुम वापस क्यों आ गए? बोलते क्यों नहीं जवाब दो? अब वहां रहने से फायदा कुछ नहीं था जी, इसलिए चला है। फायदा या नुकसान तुम क्या समझो, मैं तो तंग आ गया हूं। एक बात के लिए तुम्हें समझाता हूं लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। ना जाने मेरी किस्मत में क्या जिल्लत और रुसवाई लिखी। गुल्लो, एक गिलास ठंडा पानी मंगवाओ। ठहरो चाचा जी, गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी के बजाय शरबत पीजिए। कविता जी, एक गिलास शरबत जल्दी से बना कर लाओ। अभी लाई जी। ये जो मैंने सब सुना है ये असलियत था या कल्पना? तुमने कविता के नाम पुकारा था ना, तुम्हारी बात का जवाब उसी ने इतने प्यार से दिया है ना। अरे बोलो ना। लीजिए। मुझे नहीं, चाचा जी को दो। आगे बढ़ो। नहीं, मैं पानी पीऊंगा। अभी लाएंगे। अरे तुम क्यों लाती हो, नौकर ले आएंगे। प्रकाश, ये काम नौकर का नहीं मेरा है। राजन, ले ले जरा चुटकी का, चुटकी। राम का नाम लो चाचा जी, ऐसी बदतमीजी भला मैं कैसे कर सकता हूँ। बड़े बूढ़े कहते हैं जिसने बड़ों की इज्जत नहीं की उसने भगवान की बेइज्जती की। वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये बता कि ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी। उल्टी गंगा नहीं चाचा जी,
बल्कि उल्टी गंगा सदा के लिए सीधी गंगा होकर बहने लगी है। आ गई। अब एक नमूना और दिखाता हूँ। रख दो। क्या हुआ? सर में बड़े जोरों का दर्द है। अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? चलिए उठिए, आराम कीजिए। चलो। अच्छा जल्दी मैं चलता हूँ। चलो गुल्लू, ये जो मैं देख रहा हूँ वो तू भी देख रहा है? अरे बड़ी, मैं क्या पूरा घर देख रहा है जी। गुल्लू ले, जरा तू चुटकी काट दो। अचानक दर्द कैसे शुरू हो गया? पता नहीं, लेट जाइए। सब फटा जा रहा है। बड़ा जोर का सर दर्द है। या नहीं, ऊपर थोड़ा नीचे। लगाने से तकलीफ हो रही है? नहीं, आराम मिल रहा है। सुबह में से 15 में दर्द कम हो गया। बस 3 पैसे बाकी। कमीने में तुम्हारा कोई नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ, इसने तुम्हें धोखा दिया है। ये भेड़ की शक्ल में भेड़िया। ये आप क्या कह रहे जी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भेड़िया हूँ? मैंने धोखा दिया है? आखिर मैंने किया क्या है जी? देखना चाहते हो तो मेरे साथ। कौन है ये? पहचानते हो ही नहीं? जी जी नहीं, मैं जीवन में पहली बार इन लोगों को देख रहा हूं। राजन बेटा, इतने निर्दयी न बनो। इंसान ससुर और पत्नी को भूल सकता है, लेकिन अपनी औलाद से इस तरह का बर्ताव कोई नहीं करता। ये आप लोग क्या कह रहे हैं जी? मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आता। मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं जानता हूँ, बिल्कुल नहीं जानता जी। आप मुझे नहीं पहचानते? मेरी सूरत देखिए, ये वही सूरत थी जिसे देखकर आप कहते थे कि राधा, अगर शादी न करते तो मैं तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे देता। इसे तो पहचानिए, आपकी औलाद नहीं। नहीं, ये मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं है ये। आप दौलत के लिए मुझे छोड़ना चाहते हैं, अपनी औलाद को भूलना चाहते हैं। हम दोनों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप चाहे तो हमारी जान ले लें। अरे ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या मजाक? मक्कार कमीने, ये सब तेरे लिए मजाक है? जी, मुझे क्या पता था पिताजी की बारी का सहारा लेकर सुलह के लिए हमें छोड़कर जा रहे हैं। देखो जी, बड़े बूढ़ों ने कहा है कि अगर फार में जाए तेरे बड़े बूढ़े, मेरी बेटी पर सौत लाकर बिठा दी और बकवास करते हैं। राय साहब, ये मिल में काम करने आया था हमारे शहर में, समझ कर मैंने अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दे दिया। आपकी बीमारी का बहाना करके गया। 6 महीने हो गए, जब इसकी कोई चिट्ठी नहीं आई तो हम खुद इसके गांव गए। पता चला कि इसका बाप मर गया और ये गांव में नहीं है। एक दिन इस
420 की तस्वीर आपकी लड़की के साथ अखबार में देखी। कविता सर, मेरी बेटी को हाथ लगा। जलील कमीने, सुन लिया तूने? जो कुछ इन लोगों ने कहा है बिल्कुल झूठा जी। वो झूठी है, उसके आंसू झूठे हैं, तूने उसकी जिंदगी खराब की। ये भी कविता को बर्बाद कर दिया। मुझे क्या पता था कि इनमें कांटे छुपे हुए हैं, क्या तुम्हारी मुस्कुराहट को आंसू में बदल देंगे। राय साहब, बीती बातों को याद करने से क्या फायदा, आपको भी दुख होगा, इन्हें भी। बेहतर यही है, इन्हें आराम करने दीजिए। आइए। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यहां आने की कैसे तकलीफ की? कविता और आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे बहुत अफसोस है, मेरी पूरी हमदर्दी आपके साथ है। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं, आप लोग भी कम नहीं। राय साहब, मैं अपनी गलती मानता हूं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप पुरानी बातें भूल जाएं? क्या ये हो सकता कि आप इस घर का दरवाजा भूल जाएं? जी आप जा सकते हैं। नमस्ते। कविता दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुनो। कविता, वो कविता मर चुकी जो कभी तुम्हारी जिंदगी में आई थी। कविता मुझे गलत ना समझो, मैं बेगुनाह हूँ। मैं औरत हूँ और मैं प्यासों को अच्छी तरह पहचानती हूँ। तुम्हारे कदमों से लपट कर रोने वाली कोई गैर नहीं तुम्हारी पत्नी हो सकती है। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। तुम मुझे क्या समझाओगे? अगर तुम सच्चे होते तो इस तरह अंधेरी में मुंह छुपा कर यहाँ ना आते। सीना स्थान का सब लेकर तुम्हारे दिल में चोर है। तुम छोटी हो, मक्कार हो, इसलिए तुम डैडी के सामने नहीं जा सकते। ठीक है, अब मैं उन्हीं से बात करूं। कविता, हमारे बीच जो भी दीवार आएगी उससे आज नहीं तो कल गिरना ही पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल चिंता न कीजिए, ऑपरेशन कामयाब हो गया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। गोली निकाल ली गई है, चंद दिनों में बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। ड्रेसिंग के बाद उन्हें बाहर लाएंगे। आप लोग रूम नंबर 7 में उतार दीजिए।
थैंक यू डॉक्टर। माफ कीजिएगा, आपको तकलीफ तो होगी लेकिन मजबूरी है, मैं आपका बयान लेने के लिए हाजिर हुआ हूं। बैठिए। आप पर कातिलाना हमला किसने किया? मैंने कातिल को नहीं देखा लेकिन मैं जानती हूँ मेरे पति राज ने गाड़ी पर हमला किया है। आपके पति ने? जी, जब गाड़ी को पता चला कि राजन शादीशुदा है और उसकी पहली बीवी और बच्चा मौजूद है तो डैडी ने उसे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रात को वो मेरे पास आया था, कहने लगा मैं बेकसूर हूँ। तो मैंने कहा अगर तुम सच्चे हो और तुम्हें हिम्मत है तो तुम जाकर डैडी से बात करना। इस पर उसने कहा ठीक है, अब मैं उन्हीं से बात करूंगा और हमारे बीच जो भी दीवार आएगी उसे आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। फिर क्या हुआ? फिर वो नीचे चला गया और उसे जाने के चंद मिनट के बाद पैर की आवाज आई। मार खां बनता था उल्लू का पट्टा, दस फीट पर सौ आदमी को नहीं मार सका। बस 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 रहने दो, इसे अपनी गलती की सजा मिल गई, फिर किसी को हम पर शक भी नहीं हुआ। सब राजन को ही मुजरिम समझते हैं। लेकिन उस राय बहादुर के बच्चे का क्या होगा? वो मरेगा और कत्ल का इल्जाम राजन पर आएगा और फिर कातिल पुलिस के पंजे में आने से पहले मौत के पंजे में चला जाएगा। राम सिंह जी मालिक, राय साहब को अस्पताल में दुनिया के झंझटों से छुट्टी दिलवा दो। आप चिंता न करें मालिक, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। ठहरो, अस्पताल का मामला अकेले जाने से काम बिगड़ सकता है, मैं भी साथ चलता हूं। नहीं नहीं तुम मत जाओ। चिंता मत करो भैया, बिना खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलता। राय साहब की मौत मेरे हाथों लिखी है। बता लिया डॉक्टर साहब, लीजिए दवा पी लीजिए। और कुछ चेक किया आपको? डॉक्टर साहब सर्दी लग रही है, खिड़कियां बंद करवा दी। अच्छा अच्छा, थैंक यू डॉक्टर। मैं सच कहता हूं गुलू जी, कविता के अलावा मैंने किसी और से ब्याह नहीं किया और न मैंने चाचा जी पर गोली चलाई। बड़ी, हमको तो पूरा यकीन है कि तुम बिल्कुल बेकसूर है। तो फिर तुम ही बताओ ना मैं क्या करूँ। बड़ी, जो हम बोलेंगे तुम करेंगे? नहीं, जरूर करूँगा जी। तो फिर ये आंसू पोछो दुनिया रोने वाले का नहीं डंडे मारने वाले का साथ देती है। तुम्हारी जिसने ये कंडीशन बनाई है नी? कंडीशन? कंडीशन अरे हालत, जिसने तुम्हारी ये हालत बनाई है तुम भी उसकी ऐसी हालत बनाओ, इसलिए कि उसने तुम्हारी इज्जत का खतरा किया है। तुम ठीक कहते हो गुलू जी, बड़े बूढ़े कहते हैं आदमी मरने के बाद भी दूसरा जन्म ले लेता है, लेकिन इज्जत एक बार चली जाए तो फिर नहीं आती। अरे वेरी गुड, तो फिर मिलाओ हाथ। अरे मिलाओ नहीं, हाँ वेरी गुड, तो चलो मेरे साथ। वो नकली बीवी और संतरी का पता चलाते हैं, चलो। अरे चलो चलो। डॉक्टर राय साहब कमरे में नहीं है। कमरे में? अरे भाई टहलने के लिए कहीं लांग में तो नहीं चले गए? सब जगह देख चुका हूँ, कहीं भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? Thank you.
डॉक्टर साहब, क्या हुआ? डैडी को कुछ पता चला? आप बोलते क्यों नहीं? बहुत बुरी खबर, राय साहब ने खुदकुशी कर ली। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, राय साहब ने दरिया में कूद के खुदकुशी की है। कुछ लोगों ने खुद अपनी आंखों से उन्हें कूदते हुए देखा है, और इसके अलावा दरिया के किनारे मिले उनके कपड़े, उनकी कोट की जगह और किनारे चिट्ठी भी मिली है। दरिया में बाढ़ आई हुई है, इसलिए लाश अभी तक नहीं मिली। कोशिश जारी। कविता बेटी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके मुझे जीने का कोई हक नहीं, इसलिए मैं अपने आप को मौत के हवाले कर रहा हूं। सबर कर लेना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे यार, इस वाला राय बहादुर भी कितना भगमरा आदमी था। इस तरह भी डूब के मरना भी कोई मरना है? बुजुर्ग कहेगा। अबे हम क्या मर रहे थे जो हम उसको नहीं मारते? देखो तो सही। हेलो, वो तुम मर गया, अब हम किसे मारेंगे? तुम रो मत, एक काम करो, तुम अपने बाप को मार डालो, ठीक है? क्या मैं अभी मार के आता हूँ। गुड लक। देवर? अरे बड़ी राजन की बीवी हमारी भाभी हुई ना। अरे हम गुल्लू है गुल्लू। अरे उल्लू, मेरी बहन से मजाक किया तो अच्छा नहीं होगा। अरे वेरी गुड, तुम इसका भाई है क्या? अरे बोलो नहीं बोलो। हाँ है, तो फिर क्या हुआ? अरे बड़ी दोस्त का साला तो हमारा साला। अरे मगर साले साहब ये क्या, तुम सिंगल अंडा लेते हैं? अरे डबल खेचो नहीं। ए मिस्टर, ज्यादा बदतमीजी करेगा तो तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। अरे बड़ी बैठो नहीं, झगड़े की बात क्यों करता है? तुम्हारी कोई दूसरी बहन होंगी तो हमारे साथ फेरे फिरा दो नी। यू शट अप। ओहो जरा भाभी जी तुम ही बोलो नी हमारी तरफ से। शट अप। अरे कहाँ चली? तुम्हारे बाप के घर। अरे बड़ी हमारे बाप के पास इसको नहीं, तुम्हारी दूसरी बहन को भेजो, ये तो हमारे राजन की है नी। कर कहा जाती है? चल चल, जरा बोल बोल, कौन है तू?
बोल। Thank you.
शेखर, तुमने शराब पर शराब फेंक दी, बहुत बुरा किया था। भैया आप यहाँ उलझे हो, मैं वहाँ सारा पासा पलट गया है। मगर हुआ क्या? चलती ट्रेन में से राजन मोहिनी को उठा ले गया। क्या? हाँ। भैया ये हंसने का नहीं रोने का मुकाम है। मैं नहीं रोऊंगा शेखर, रोएंगे हमारे दुश्मन। हमको राजन की सलाह स्त्रियों मिल गया। अब राजन लड़की को लेकर कविता के पास अपनी बेगुनाही का सबूत देने जरूर आएगा, और वहाँ पहुँचने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है। वाह भैया क्या उड़ान है। शेखर देखो, मैं उसका स्वागत करता हूँ और तुम कविता को लेकर उड़ जाओ। राजगढ़ की पहाड़ियों में राजन की चिता जलेगी और वही तुम्हारी शादी की चलेगी। और भैया राय साहब की बरसी मनाना नहीं भूलना। नमो नमो ब्लैक डॉग। शट अप व्हाइट हॉर्स। लो भैया ब्लैक डॉग। थैंक यू कम ऑन डार्लिंग। डियर सुराय साहब कम 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 ऑन डार्लिंग कम ऑन। अगर नफरत करने के काबिल नहीं हूँ तो मोहब्बत करना शुरू कर दो। वैसे लोग कहते हैं नफरत मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। वो दिन आने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। अब तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे कब्जे में है। मैं जिस तरह चाहूंगा तुम्हें रखूंगा। चाहो तो मेरे दिल की मलिका बन सकती, धर्म पत्नी बन सकती, लेकिन अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर ना चली तो तुम्हारी हालत एक रंडी जैसी। बोलो सर। और ये है वो दीवार जो हमारे बीच में है। मैं इस दीवार को तुम्हारी आंखों के सामने गिरा दूंगा और इसके साथ इसकी बीवी को भी खत्म कर दूंगा। झूठ बोलता है, ना जानता इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। राम दादे का मुंह कैसा खुल गया? बड़ी मुंह खुल गया है, हाथ खोलेगा तो हम तुम्हारी चमकी कर डालेगा। अरे पकड़ो इसको, पकड़ो वरना हमारे ना सच्ची बोलता है। तूने उसे क्या क्या बताया बोल? मैंने कुछ नहीं बताया। अब आप लोग अपना वादा पूरा कर दीजिए, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। तुम्हारे पिताजी तो ये दुनिया छोड़ के चले गए। लड़की को ले जाओ और जरूरत पूरी होने पर इसे इसके पिताजी के पास पहुंचा दो। समझ गया ना? समझ गया मालिक। ले जाओ। हा
मैं इसे जिंदा छोड़ सकता अगर तुम तलाक के पेपर पर साइन कर दो और मुझसे शादी करने का वादा करो। मत करना कविता, मुझे मर जाने दो। मेरी इज्जत और मुझे जान से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। अबे तेरी इज्जत है क्या? चाहूं तो तेरे सामने यही इसकी इज्जत लूट लो। आज तुमने मेरे मुंह पर थूका है, लेकिन कल से दुनिया तुम पर थूकेगी। मुकादम मारे, इसे अपनी गुफा में ले जाओ। यह अब हमारी बीवी नहीं, ताश्ता बनेगी। मुकादम कमीने, तेरी ये मजाल। कमीना मैं नहीं, तू है। कौन है तू? तेरा बाप। ओ, राय साहब। डैडी। राय साहब, क्या बंद कर तुझे? तुम दोनों एक बेचारे को फंसा कर और मुझे रास्ते से हटाकर मेरी जायदाद को हड़प करना चाहते थे। हम जो करना चाहते थे वो अब भी होगा। सीधर की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और तुम खुद चलकर मरने के लिए हमारे पास आ गए। कानून की नजरों में तो तुम मर ही चुके हो, अब तुम्हारी मौत का इल्जाम भी हमारे पर नहीं आएगा।
बचाओ, बचाओ। बदमाशों ने इन सीढ़ियों को मौत की सीढ़ी बना दी है। देखिए राजन, घबराइए नहीं, ये सब चक्कर मेरी समझ में आ गया है। तुम जी, बड़े बूढ़े कहते हैं कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा, ये इन्होंने दूसरों के लिए बनाया था और खुद ही इसका शिकार हो गए। लाश को उठाने का इंतजाम करो। जरूर। आपने पागल बनकर और हर तरह की मुसीबत उठाकर जो हमारी मदद की, उसके लिए मैं जिंदगी भर आप एहसानमंद रहूंगा।